गुड मॉर्निंग बच्चों, 11th क्लास, पहला चैप्टर जीवित उत्कों की कोशिकी रचना। इसके पहले वीडियो में हमने कोशिका विभाजन का महत्व, कोशिका के कार्य, इसके बारे में बताया था। उसी चैप्टर से संबंधित आपका अगला टॉपिक है ऊतक। मानव शरीर विभिन्न आकार प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, और जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करती हैं, तो उस संरचना को ऊतक कहते हैं। देखिए, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करती तथा एक समूह में एकत्र होकर एक विशेष संरचना बनाती हैं, तब उस संरचना को ऊतक कहते हैं। एक ही तरह की कोशिकाएं, जैसे आच्छादक कोशिका है तो आच्छादक ऊतक का निर्माण करेगी, पेशी कोशिकाएं हैं तो पेशी ऊतक का निर्माण करेंगी, है? एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो हैं एक समूह में एकत्र होकर के एक विशेष संरचना बनाती है, एक विशेष संरचना यानी ऊतक। जैसे पेशी कोशिकाएं हैं तो पेशी ऊतक बनाएंगी। इस तरह से एक समूह में एकत्र होकर के एक विशेष संरचना बनाती हैं, तब उस संरचना को ऊतक कहते हैं। शरीर में कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और सभी ऊतक मिल करके संपूर्ण शरीर का संचालन करते हैं। कई प्रकार के ऊतक हैं। देखिए, ऊतक के भेद, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना है और संपूर्ण शरीर का संचालन, सारी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला ऊतक है मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक का निर्माण पेशी कोशिकाओं से मिलकर होता है। पेशी कोशिकाएं पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं और शरीर में तीन प्रकार के पाए जाते हैं। ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। ऐच्छिक पेशी ऊतक शरीर के उन अंगों में पाए जाते हैं जिन अंगों को हम अपनी इच्छा अनुसार क्रियाशील बनाते हैं, जैसे हाथ पैर, जो हम अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, मुंह, हाथ पैर, ये सब ऐच्छिक ऊतक से इन अंगों की पेशियां बनती हैं। अनैच्छिक पेशी ऊतक उन अंगों में पाए जाते हैं जो अंग हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बल्कि स्वतः ही अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। जैसे शरीर के आंतरिक अंग हैं, ये स्वतः अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, हमारी इच्छा के अधीन नहीं होते हैं। तीसरी पेशी ऊतक है हृदय पेशी। हृदय पेशी ऊतक से हृदय का निर्माण होता है। इन पेशी ऊतक की विशेषता है कि ये रचना में तो ऐच्छिक पेशी की तरह होते हैं, लेकिन क्रिया इनकी अनैच्छिक पेशी ऊतक की तरह होती है और ये जीवन भर बिना रुके बिना थके कार्य करते रहते हैं। दूसरा ऊतक है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है। ये संपूर्ण शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। संपूर्ण शरीर की संवेदनाओं को, बाहरी संवेदनाओं को, आंतरिक संवेदनाओं को, आंतरिक क्रियाओं को सब मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य और मस्तिष्क से आदेश लेकर अंगों को क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। देखना, सुनना, सोचना, समझना, कोई भी कार्य करना, ये तंत्रिका ऊतक के आधार पर ही होता है। यही ऊतक शरीर के संपूर्ण क्रियाओं का संचालन करते हैं। तीसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक अंगों को, पेशियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जहां पर दो अस्थियां जुड़ती हैं, वहां महीन धागे जैसी संरचना पाई जाती है, कंडराएं, जो हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अलावा कार्टिलेज की मात्रा जो पाई जाती है, ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। चौथा है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को आच्छादक ऊतक भी कहते हैं। उपकला या आच्छादक ऊतक शरीर के उन अंगों पर पाए जाती हैं जो जहां पर झिल्लियां होती हैं या ढकने का कार्य जो अंगों को करते हैं। जैसे त्वचा है, त्वचा में उपकला ऊतक पाए जाते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों
के ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें उपकला ऊतक पाए जाते हैं। अगला है तरल ऊतक। तरल ऊतक के रूप में रक्त और लसिका शरीर में पाए जाते हैं। इसका प्लाज्मा जो है तरल रूप में होता है और ये ऊतक शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन पोषक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करते हैं और उन अंगों से उत्सर्जी पदार्थों को लेकर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला है जनन ऊतक। जनन ऊतक शरीर में दो प्रकार के पाए जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इनके निषेचन से युग्मज तैयार होते हैं, ये संतान की प्रारंभिक अवस्था होती है। इतने प्रकार के ऊतक शरीर में पाए जाते हैं। अब इन ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है। जैसे कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से ऊतक से अंगों का निर्माण होता है। अंग क्या है? जब एक ही प्रकार का कार्य करने वाले दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करते हैं जो विशेष आकार और गुण के कारण अन्य भागों से अलग पहचाना जाता है, तो उस भाग को अंग कहते हैं। शरीर के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग उनकी संरचना है, अलग अलग तरह से उनके कार्य हैं। तो एक ही प्रकार का कार्य करने वाले दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर यानी ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है और इनका अलग गुण होता है, अंगों का अलग तरह का कार्य होता है, अलग इनकी संरचना होती है। अब अंगों से तंत्र का निर्माण होता है। जिस तरह से कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण हुआ, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है और अंगों से फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब कुछ अंग एक विशेष उद्देश्य से मिलकर एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं तब उस संगठन को तंत्र या संस्थान कहते हैं। कई अंग मिलकर के एक विशेष कार्य करते हैं, आपस में एकत्रित होकर के संबंध स्थापित करके एक विशेष कार्य को करते हैं, तब उन अंगों से बनी संरचना को अंग तंत्र कहते हैं। शरीर में कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे अस्थि तंत्र। शरीर में 206 अस्थियां होती हैं, छोटी बड़ी, और ये अस्थियां मिलकर के शरीर का एक ढांचा तैयार करती हैं, शरीर को एक आकार देती हैं। उस संपूर्ण आकार या संपूर्ण ढांचे को अस्थि तंत्र कहते हैं। पेशी तंत्र, शरीर में कई तरह की तीन तरह की पेशियां मिलकर के, छोटी बड़ी पेशियां लगभग 600 के लगभग, ये मिल करके पेशी तंत्र का निर्माण करती हैं। पाचन तंत्र, मुख से लेकर मलद्वार तक, मुख, ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अंग हैं। लेकिन ये अंग मिल करके एक संपूर्ण क्रिया क्या करते हैं? पाचन कार्य करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पाचन तंत्र कह दिया गया। श्वसन तंत्र, इसमें नासिका, श्वसनी, श्वास नली, फेफड़े, महाप्राचीरा पेशी, ये सब मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। रक्त परिभ्रमण तंत्र में रक्त नलिकाएं, हृदय, ये सब मिलकर के रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य और व्यर्थ पदार्थों को अपने साथ लेकर के फिर हृदय में आना, ये रक्त परिभ्रमण का कार्य करते हैं। अगला है उत्सर्जन तंत्र। शरीर के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी अंग होते हैं, उन संपूर्ण उत्सर्जी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकाओं से संपूर्ण शरीर का संचालन होता है, ये संपूर्ण तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं, ये सब मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण। प्रजनन तंत्र में प्रजनन अंग भाग लेते हैं, प्रजनन अंगों की सामूहिक व्यवस्था को प्रजनन तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, बहिर्स्रावी अंतःस्रावी, ये अपना स्राव उत्पन्न करके सीधे रक्त में मिला देती हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहलाती हैं ये। इस तरह से ये सारे तंत्र मिल करके शरीर के
संपूर्ण क्रियाओं का संचालन करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं।